हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर मीना। तो मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जो जो मेरे नए फ्रेंड है उसको मेरी तरफ से नमस्ते, हेलो, और जो मेरे पुराने फ्रेंड है उसके लिए भी मैं बहुत सारा प्यार दे रही हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ और ये ब्लॉग एक स्पेशल ब्लॉग है। तो क्या स्पेशल है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। और काफी दिनों से मैंने अपना ब्लॉग कोई ब्लॉग बनाई भी नहीं हूँ और कोई एडिटिंग भी नहीं की हूँ, तो इसीलिए मेरा जो थोड़ा मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो इसे थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिए और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बोलते रहूंगी मेरा जो सब जितना कंफ्यूजिंग है वो दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए, आज है 3 फरवरी, यानी आज है मेरा वेडिंग एनिवर्सरी। तो वेडिंग एनिवर्सरी स्पेशल ब्लॉग तो बनता ही है, और ये जो ब्लॉग है मैं आज सुबह से ही शुरू की हूँ। तो आप अभी देख रहे हैं कि सुबह से मेरा जो घर का जो काम है सब हो चुका है और धीरे धीरे गेस्ट लोग भी आ रहे हैं और भी जोर तोर से तैयारी भी लगा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले मैं एनिवर्सरी के बारे में बोलना चाहती हूँ। तो ये आज है 3 फरवरी और आज मेरा 15th एनिवर्सरी है। तो इस अवसर पे मेरे घर पे एक छोटा सा फंक्शन है और बहुत सारे गेस्ट भी, थोड़े बहुत गेस्ट आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब तो रहेंगे ही। तो चलिए दिखाते हैं, और अभी दिखाती हूँ मैं कि फंक्शन का, मेरा घर का पहले मैं डेकोरेशन, थोड़ा सा डेकोरेशन की हूँ वो मैं दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं फंक्शन का तैयारी भी आपको दिखाऊंगी। तो घर को तो मैंने थोड़ा बहुत सजा लिया है और अभी घर में थोड़े गेस्ट भी आ रहे हैं और आने वाले हैं। और ये देखिए दो पिक्चर जो मैं एनिवर्सरी स्पेशली बनाई हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे हैं और मैं हूँ। ये मेरे एक सिस्टर का वेडिंग फंक्शन में मैंने कुछ फोटोज लिए थे, तो उसी को ही मैंने यहाँ पे एक फ्रेम में बनाया है। और ये जो फोटो है ये तो आप लोग देखते ही है मेरे ब्लॉग में, ये मेरा शादी का फोटो है। और ये जो है अगेन ये भी एक फंक्शन का ही फोटो है जो मैंने मेरे सिस्टर के शादी में ही लिया था। तो इसके अलावा चलिए मैं दिखाती हूँ कि उस वाले रूम पे मैंने क्या क्या किया है। तो इस वाले रूम का जो है थोड़ा बहुत सजावट मैंने किया है, और देखिए यहाँ पे मेरी भाभी, मेरी सिस्टर, इन लोग थोड़ा मेरा हेल्प कर रहे हैं कुकिंग में। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे आप सभी से मिलाऊंगी उन लोगों को भी। तो चलिए चलते हैं थोड़ा किचन पे। अभी किचन तो बहुत मेसी है क्योंकि घर पे खाना वाना बन रहा है, कुछ लोग आने वाले हैं, गेस्ट लोग आने वाले हैं। फ्रेंड चलिए, आगे मैं वीडियो में आपको दिखाती रहूंगी, और अभी मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि किचन पे ऑलरेडी खाना चढ़ा हुआ है। तो धीरे धीरे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में कि मैं क्या क्या कर रही हूँ आज एनिवर्सरी में। तो गाइस, अभी है इवनिंग का टाइम और इवनिंग में अभी केक कट होने वाला है और सारे गेस्ट जो थे वो आ गए हैं, और अभी घर में जो डेकोरेशन है वो भी हो चुका है। तो चलिए दिखाते हैं पहले मेरे घर का डेकोरेशन, फिर मैं मेरे घर पे कौन कौन गेस्ट आए हैं उन लोग से भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए, तो देखिए पूरे घर को मैंने इस तरह से हार्ट शेप का बैलून से सजाया हुआ है। तो फिर ओवरऑल जो घर का लुक है आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने अपने घर को सजाया है। तो चलिए, इसके बाद मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ मेरे फैमिली को। तो चलिए, तो फ्रेंड देखिए, ये है मेरे घर का सबसे बड़ा फैमिली मेंबर, और ये है मेरी मौसी, मेरी बड़ी मौसी है। तो मौसी, मेरे गेस्ट लोग को नमस्ते करो। और देखिए इसके बाद ये है मेरी बड़ी वाली सिस्टर, जिसके बारे में मैं हमेशा आपको यूट्यूब में बोलती रहती हूँ। और ये है मेरी छोटी सिस्टर, और ये है मेरी मझली वाली सिस्टर, यानी बड़ी, मझली और छोटी, तीन सिस्टर्स है। और ये देखिए, ये भी मेरी एक सिस्टर्स है। हाय बोलो, यहाँ हमको हाय बोलिए। और ये है मेरी भाभी,
हाय फ्रेंड, हाय फ्रेंड। और ये देखिए, ये है मेरे जीजा जी। हाय। ये है मेरे बड़े वाली जो सिस्टर मैंने आपको दिखाया, उनका हस्बैंड है वो। तो ये है मिस्टर अमल कुमार चौधरी, इनका अपना एक स्टूडियो है जो फोटो वीडियो वगैरह करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का फोटो, शादी का वीडियो में किसी भी तरह का आपको जरूरत है, तो हम आपको, मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये वेडिंग फंक्शन, हल्दी मेहंदी, हर चीज का जो फोटो शूट होता है ये करते हैं। यानी ये एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, ठीक है। और मेरे घर पे जो मैंने फोटो भी बनाया हुआ है, ये सारे वो भी सब इन्होंने ही बनाया है। और ये देखिए, ये है मेरा बेटा हर्ष, हेलो। और कुछ बच्चे, ये है मेरी सिस्टर की लड़की, हेलो बोलो, हेलो। ये है मेरे भाई की लड़की, हेलो। तो अभी देख रहे हैं आप कि घर में, ओवरऑल घर में गेस्ट पूरा भरा हुआ है। तो चलिए सबको हाय कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अभी कुछ ही देर में केक कट होने वाला है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ केक कट का वीडियो। तो गाइस, चलिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी होगा केक कटिंग। और केक कटिंग का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस जो है वो है कि अभी तक मैंने अपने वीडियो में अपने हस्बैंड से आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। तो मेरा जो ये ब्लॉग है, इंडियन ब्लॉगर मीना, मेरा जो ये चैनल है, ये एक इंडियन लड़की यानी इंडियन हाउसवाइफ का एक चैनल है। तो मेरा जो ये वीडियो बन रहा है, ये जितना ब्लॉग बन रहा है, तो सब ये फैमिली के अंदर लेके ही मैं बनाऊंगी। तो इसीलिए चलिए, सबसे पहले आज मैं, मेरा एनिवर्सरी में मैं आप लोग से वादा की थी कि मैं अपने हस्बैंड का इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो चलिए देखिए, ये है मेरे हस्बैंड, हाय मेरे फ्रेंड लोग को। और इनका नाम है राजेश चौधरी, ये है मेरे हस्बैंड। तो जैसे कि वो ऑन स्क्रीन आने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, धीरे धीरे वो भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो चलिए, अभी केक कट होता है। आज है मेरा 15 एनिवर्सरी,
और 15 साल का जो मेरा शादीशुदा लाइफ का जो जर्नी है, तो मैं उसके बारे में कुछ आज आप लोग से कहना चाहती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही हूँ कुछ बोलने के लिए, तो वो बोल नहीं रहे, पर मैं बोल रही हूँ आप लोग से। तो 15 इयर्स का जो जर्नी है मेरा, ओवरऑल सुख दुख सब तरह से मिला के अगर बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन पंद्रह साल में मुझे दुख इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया, पर खुशी सुख बहुत मिला है। और मैं इनकी आंखों से, इन्होंने अपने आंखों से मुझे दुनिया दिखाया है, इन्होंने अपने हर एक मेरा ख्वाब पूरा किया है। मतलब मैंने अपने लाइफ में जो भी मांगा इनसे, मतलब जब ये शादी की, हम लोग शादी किए थे तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, पर आज सब कुछ। नहीं कहना चाहती हूँ आप लोग को इमोशनल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं खुद थोड़ा इमोशनल हो चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा रो चुकी हूँ। और जर्नी बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि भगवान जब जब मुझे इंसान के रूप में बनाए तो यही मेरा हस्बैंड है।